राधे, ये देखो आज हम लेके आए हैं लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के लिए। देखो चांदी के बर्तन के भोग के लिए, ये देखो इनको आप भोग लगा सकते हो इनके बर्तन के लिए। बहुत चांदी बड़ी शुद्ध और पवित्र होती है। आप देखो कभी मंदिर वगैरह में जाओगे तो हर जगह चांदी के बर्तन यूज करते हैं, क्योंकि ये चांदी शुद्ध और ठंडी होती है और भगवानों के ऐसे भोजन के जो ये बर्तन है वो अलग रहते हैं, इसलिए चांदी बर्तन ज्यादा लोग यूज करते हैं। ये देखो और शुद्ध भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। देखो कि हमारे जो भगवान है जब चांदी के बर्तन भोग लगाए अच्छा लगता है। ये देखो ये हमने बनाए हुए हैं, ये देखो चांदी के बर्तन के भोग के लिए प्लेट गिलास कटोरी चम्मच, इसका वजन 250 ग्राम के आसपास, सारा हॉलमार्क चांदी है। ये देखो 250 ग्राम वजन है और ये 180 ग्राम वजन है, नहीं 208 ग्राम। ये देखो गिलास प्लेट कटोरी चम्मच सारा हॉलमार्क बर्तन है। ये देखो बहुत बेहतरीन चीज़ स्पेशल फॉर राधा रानी लड्डू गोपाल जी और कृष्ण जी के भोग के लिए बर्तन। ये देखो चांदी के बर्तन 92.5, इनकी प्योरिटी जो है 92.5 यानी 93% चांदी है इनके अंदर। बहुत बेहतरीन चीज़ है स्पेशल फॉर आज की जो हमारी वीडियो है चांदी के बर्तन के भोग के लिए। ये देखो इसका वजन 120 ग्राम, ये देखो बहुत बेहतरीन। ये देखो ग्लास प्लेट कटोरी जब हमारे सारे साइज 100-125 ग्राम से लेके हमारे 500 ग्राम तक के बर्तन के सेट सारे अवेलेबल हैं। साइज जब वेट बढ़ता जाएगा तो साइज बढ़ता जाएगा। ये सबसे हमारे पास छोटा साइज है, फिर छोटा साइज और आता है, वो आता है करीब 100 ग्राम के आसपास, ये 150 ग्राम के आसपास है। ये देखो लड्डू गोपाल जी राधा रानी और कृष्ण जी के लिए भोग के लिए, इसमें आप इनको डेली यूज के लिए भोग लगा सकते हो, जिससे इनके बर्तन अलग रहेंगे, थोड़े शुद्ध होते हैं और चांदी ठंडी होती है, अच्छी होती है, पवित्र मानी जाती है। जितने भी आप तीर्थ स्थानों पर या मंदिरों में जाओगे हर जगह चांदी के बर्तन। ये देखो और यहाँ हमने लिखा लड्डू गोपाल जी के लिए कप का सेट, ये देखो इनके चाय के लिए, ये देखो चांदी का कप का सेट 175 ग्राम इसका वजन है कप प्लेट। ये देखो हमने पन्ने में इसलिए ढक रखा है ताकि चांदी हवा लगे, इसको नज़र बहुत जल्दी लगती है, काली पड़ियादी जैसे पन्ने में हमने पैक कर रखा है। इसको हम डेली साफ करते हैं, बिल्कुल चमक जाएगी दूध की तरह, क्योंकि ये हॉलमार्क चांदी की है। ये देखो स्पेशल प्लेट और ये का बाबू के लिए, ये देखो स्पेशल टी टाइम के लिए सुबह ब्रेकफास्ट, ये देखो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए इनके चाय का कप स्पेशल फॉर चांदी के लिए। ये देखो एक चीज़ और लेके आया, आपको दिखाता हूँ मैं। देखो इनके लिए दूध के लिए गिलास, ये देखो बहुत ये कह रहे हैं, ये बड़े उछल कूदते रहते हैं, भूख भोजन लेते हैं, बड़ा गिलास लेके आए। देखो ये 200 ग्राम का गिलास और ये देखो आप इंच डेढ़ आपको नाप दिखाता हूँ मैं, 5 इंची कहती है। ये देखो बहुत बेहतरीन स्पेशल फॉर लड्डू गोपाल जी के लिए, देखो 5 इंची का गिलास और ये इसके अंदर कम से कम आधी किलो दूध आएगा स्पेशल फॉर लड्डू गोपाल जी के लिए। ये देखो हॉलमार्क चांदी 9 to 5, ये देखो 200 ग्राम इसका वेट है और 500 ग्राम इसके अंदर दूध आएगा, टोटल हो जाएगा 700 ग्राम। फिर हमारे लल्ला पियेंगे जमा जम आदे। ये देखो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी, ये देखो और हमारे सारे डिस्क्रिप्शन दिए हुए हमारे दिल्ली वाले लड्डू गोपाल जी, हमारे यहाँ पर गोपाल जी और राधा रानी के सोने चांदी के सारी ज्वेलरी तैयार मिलती है, पूरी दिल्ली में आपको कहीं नहीं मिलेगी ठोक बजा बजा के। ये देखो और चांदी के इनके सारे भोग भी मिलेंगे चांदी के बर्तन के लिए। राधे राधे, जय जय श्री राधे। और ये लड्डू गोपाल जी का दिल्ली वाला पेज इंस्टाग्राम पे आप खोल सकते हो, स्कैन करो और दिल्ली वाले लड्डू गोपाल जी आपके पास। राधे।